सिद्धू से मुलाकात के बाद आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम चन्नी, पार्टी नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सीएम जयराम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को चुनाव के लिए नहीं मिल रहा प्रत्याशी। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतगणना पुलिस प्रशासन की निगरानी में जारी, कई जिलों से नतीजे आने शुरू, समर्थकों में उत्साह। बेगूसराय में बच्चों से भरी स्कूल बस गड्ढे में पलटी, स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। चलिए अब रुख करेंगे बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना की तरफ, और इस वक्त की एक बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां दूसरे चरण के मतदान के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। जिला परिषद भाग एक से अजय सिन्हा विजयी रहे हैं, तो भारतू पंचायत से कुंदन कुमार ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर, 246 मतों से लहराया जीत का परचम, काउंटिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से, घोसी प्रखंड में दूसरे चरण का मतदान हुआ था और उसके बाद आज मतगणना शुरू हो गई है, रुझान आने लगे हैं। आपको बता दें अजय कुमार जिला परिषद भाग एक से अजय कुमार सिन्हा विजयी रहे हैं, तो वहीं भारतू पंचायत से कुंदन कुमार ने जीत दर्ज की है। तो बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद से संवाददाता कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, दूसरे चरण की मतगणना जारी है, रुझान आने लगे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी, दूसरे चरण की मतगणना जहानाबाद मानस इंटरनेशनल स्कूल जहां बनाया गया है मतदान मतगणना केंद्र, वहां पे स्टार्ट हो चुका है। अब तक जिला परिषद भाग एक और भाग दो दोनों का रिजल्ट आउट हो चुका है। भाग एक से अजय सिंह उत्तुल्लू जी जीते हैं और भाग दो से संगीता देवी ने विजय प्राप्त किया है। और जहां तक मुखिया की बात रही तो मुखिया में अभी तक भारतो पंचायत का ही रिजल्ट आउट हुआ है, जिससे कुंदन कुमार ने जीत प्राप्त की है। बिल्कुल, कुंदन कुमार ने जीत प्राप्त की है। क्या इस वक्त क्या रुझान है, क्या कुछ स्थिति वहां पर केंद्र पर? जी, केंद्र पर थोड़ा सा बारिश के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन मतगणना जो हो रही है उसमें किसी प्रकार के कोई बाधा उत्पन्न होने की सूचना नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन की ऐसी तैयारी की गई है। मुखिया का रुझान अभी बाहर आ रहा है, जब 5 मिनट के अंदर जैसे जैसे रिजल्ट आउट होते जा रहा है, लोगों को सर्टिफिकेट दे करके ही उनको मतदान केंद्र से विदा किया जा रहा है। बिल्कुल कुणाल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर बने रहे, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो जहानाबाद में रुझान आने शुरू हो चुके हैं, ये बड़ी खबर, दूसरे चरण के मतदान के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं जहानाबाद में। अरवल में दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो गई है। आज अरवल में 5 प्रखंडों के उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। शाम 5 बजे तक तमाम उम्मीदवारों और उनके नामों को घोषणा कर दी जाएगी, और इसका जायजा लिया है संवाददाता उत्कर्ष ने। चुनाव का आह्वान हो चुका है। आपको बता दें कि दूसरे फेज में अरवल के तमाम 5 प्रखंडों को में जो चुनाव हुए हैं 29 तारीख को, उसको लेकर अब देखिए मतगणना भी शुरू हो गई है, और करीब शाम 5 बजते-बजते जो रिजल्ट है वो भी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि बारिश हो रही है यहां पर और सुरक्षा व्यवस्था आप दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव इस बार जो है वैलेट पेपर पे नहीं होके ईवीएम पर हो रहा है। इसको लेकर तमाम जो कोशिशें हैं वो अब बिहार इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। प्रत्येक जो चरण में चुनाव होते हैं उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, लेकिन अब ये तस्वीरें हैं अरवल की, जहां पर 5 प्रखंडों में आज चुनाव हो रहे हैं, उसके आज मतगणना है। जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से की गई है, किस जो पुलिस के वाहन हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल है, तमाम उन चीज़ों की तैनाती की गई है। और आने वाले कुछ कहा जा सकता है कुछ घंटों में जो उम्मीदवार हैं जो तमाम अलग अलग कहा जा सकता है कि पदों के लिए इस बार चुनाव लड़े हैं, उसको लेकर भी अब कुछ ही देर में
मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू है। आपको बता दें कि सरैया और मड़वन प्रखंड में 29 सितंबर को मतदान खत्म हुए, जिसमें 43 पंचायतों के 5125 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है। जिनके किस्मत का फैसला हो रहा है, तो वही जिला प्रशासन द्वारा आरडीएस कॉलेज और अहियापुर स्थित बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पुलिस फोर्स की भारी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के मतगणना को लेकर पहले राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में तेज आंधी और बारिश के बीच मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के पंचायतों के सभी प्रत्याशियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रोहतास के सासाराम स्थित तकिया बाजार समिति में मतों की गिनती धीरे धीरे शुरू हो रही है। ऐसे में अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं, लिहाजा प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर काफी सजग है। हालांकि लोगों की संख्या कम होती दिख रही है। चलिए, इस पर बात करने के लिए रोहतास से हमारे साथ संवाददाता अश्विनी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, दो जगह पर इस वक्त मतगणना चल रही है, रोहतास और नौहट्टा में, क्या कुछ स्थिति? जी, मैं ऋतिक आपको बता दूं कि पहले चरण की बात करें, पहले राउंड में जो है शुरू हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास और प्रखंड की, तो रोहतास और नौहट्टा की तो मतगणना दूसरे राउंड की शुरू है। ऐसे में बात करें पर पंचायत रोहतासगढ़ की, तो यहाँ से मुखिया 788 जीते हैं नागेंद्र यादव, वहीं अपने को प्रतिद्वंदी जो है शिव नारायण, उनको 567 मतों से हरा। तुम्बा कस्तुम्बा की तो तुम्बा जो है पंचायत है, और नागेंद्र यादव जो है मतों से जीता हुआ है। पहले राउंड के परिणाम आने सुन चुके हैं, दूसरे राउंड की अगर बात करें तो इस तरीके से कुछ परिणाम है। और हालांकि जो यहाँ का मतगणना का समय जो था वो काफी देर से मतगणना शुरू हुआ है, ऐसे में बरसात और वर्षा होने के चलते जो है काफी कुछ देर से यहाँ पर मतगणना शुरू हुई है। जी ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरे चरण की जो मतगणना है वो अब चल रही है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में ये चुनाव हुए थे 29 सितंबर को, और आज 1 अक्टूबर है, मतगणना जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले आने शुरू हो चुके हैं। गिरियक के चौरसुआ पंचायत से चंदन सहनी विजयी रहे। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से, मुखिया ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंदन ने अपने प्रतिद्वंदी फारूक आजम को 723 वोटों से परास्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, मुखिया ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। चंदन ने अपने प्रतिद्वंदी फारूक आजम के 723 वोटों से परास्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से, प्रत्याशियों के किस्मत के फैसले आने शुरू हो चुके हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नालंदा से संवाददाता ऋषिकेश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, प्रत्याशियों की किस्मत का दांव जारी है, क्या कुछ रुझान अब तक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वैसे ही प्रत्याशियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच समर्थकों का भी धीरे धीरे प्रत्याशियों के जो है रुझान गिरिया के जो चुरसुआ चंदन मुखिया है, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने 523 वोटों से अपने प्रतिद्वंद को हराने का काम किया है, और वही सरकारी प्रति के गैरचूर पंचायत से अपने निकटतम पहुंची जिन्हें 324 वोटों से विजय हासिल की है। बिल्कुल ऋषिकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऋषिकेश, अधिक जानकारी हमें दे रहे थे रुझान को लेकर। नालंदा में भी अभी रुझान जारी है, दूसरे चरण की मतगणना अब भी चल रही है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां ममता देवी 64 वोट से विजयी हुई है। सियाड़ी पंचायत के वार्ड 12 से जीत हासिल की गई है। कटिहार में भी अगर बात करें तो निरंजन मंडल 190 मतों से मुखिया पद पर जीत उन्होंने दर्ज की है। डंडखोरा प्रखंड के सौरिया पंचायत से
दर्ज की है जीत। इस वक्त की बड़ी खबर खगड़िया में बात कर ले तो खगड़िया में खीराडीह पंचायत का परिणाम अब भी जारी है। दूसरे चरण की मतगणना अब भी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुखिया पद के लिए राहुल सिंह विजयी हुए हैं। पालीगंज की बात करें तो महाबलीपुर पंचायत से निकेश कुमार मुखिया बने हैं। विनोद सिंह को 700 मतों से मत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर पालीगंज महाबलीपुर पंचायत से निकेश कुमार मुखिया बन गए हैं। लगातार हम आपको डीटीवी भारत आपको दूसरे चरण की मतगणना की यह कवरेज दिखा रहा है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में दूसरे चरण की मतदान 29 सितंबर को हुआ था जिसकी आज मतगणना जारी है। रुक करेंगे दरभंगा का। दरभंगा में भी दूसरे चरण की मतगणना जारी है। तस्वीरों में देखिए आप दरभंगा में भी दूसरे चरण की मतगणना हो रही है। प्रशासनिक अमले के बीच ये मतगणना अब भी जारी है। दरभंगा की बात कर रहे हैं हम यहां पर। अब तस्वीरों में देख सकते हैं दरभंगा जिला के शिवधारा के पास बाजार समिति में दूसरे चरण की मतगणना जारी है। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था प्रशासनिक स्तर से बहुत ही सख्त है। सुबह 5 बजे से ही प्रशासन के अधिकारी के साथ दल बल मौजूद दिख रहे हैं और जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। लेकिन मतगणना के स्थल की व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा से भी बहुत ही थर्ड ग्रेड की है, यह आप बात जान लीजिए। यहां तक कि मीडिया को भी ब्रीफ करने वाले कक्ष में भी नहीं बनाया गया जहां मीडिया जानकारी दे सके। लेकिन आपको बता दे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये दूसरे चरण की मतगणना हो रही है। दरभंगा में भी लगातार 34 जिलों की यह कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए दरभंगा से बढ़ेंगे समस्तीपुर की तरफ। समस्तीपुर में भी दूसरे चरण की मतगणना अब भी जारी है। सुबह 5 बजे से ही प्रशासनिक अमले के बीच यहां पर मतगणना हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं समस्तीपुर की यह तस्वीर जहां पर दूसरे चरण की मतगणना अब भी जारी है। आपको बता दें समस्तीपुर के ITI कॉलेज मोरदीबा में पंचायत निर्वाचन 2021 के दूसरे चरण की मतगणना शुरू है। तकनीकी कारण से कुछ देर के लिए बाधित हुई लेकिन अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के 3 प्रखंड के 49 पंचायत का मतगणना आज होना है। इसमें कार्यकर्ताओं का भीड़ भी मतगणना केंद्र के बाहर भारी संख्या में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं मतगणना केंद्र के बाहर प्रशासनिक अमले के बीच भीड़ भी देखी गई है और यहां पर भी दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। जो काउंटिंग है वो अब भी जारी है। मतगणना अब भी दूसरे चरण की हो रही है समस्तीपुर में 3 प्रखंडों के लिए। चलिए अब रुक करेंगे समस्तीपुर से बेगूसराय की तरफ। बेगूसराय में भी दूसरे चरण की मतगणना जारी है। तस्वीरों में देखिए आप दूसरे चरण की मतगणना प्रशासनिक अमले के बीच दलबल के बीच जारी है। बेगूसराय में भी दूसरे चरण की मतगणना है वो जारी है। आपको बता दें कि बेगूसराय में दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को हुआ था जिसके बाद आज यानी कि 1 अक्टूबर को मतगणना। देख सकते हैं मतगणना केंद्र पर भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। वहां पर बकायदा प्रशासनिक अमला तैनात है। किसी भी अराजक तत्व की वहां पर घुसने की भी संभावना नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बिहार में एक बार फिर कोरोना से जंग के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा जिसके लिए सेशन साइट्स का चयन कर लिया गया है और अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी तक तैयारी में जुट गए हैं। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप में लूट के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट की रकम के साथ पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सदर DSP ने बताया कि घटना में शामिल अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास अब भी जारी है।
बेगूसराय में बच्चों से भरी स्कूल बस गड्ढे में पलट गई। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में भी जुटे हैं, तो वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बक्सर जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान जिले के कई इलाकों में मध्यम से तो कई जगह भारी बारिश हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण की मतगणना आज बक्सर जिले में भी होनी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसमें भी कठिनाइयां आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर विभाग के अधिकारी भुवनेश कुमार ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि आगामी 15 अक्टूबर तक राज्य में 18 पीएसए प्लांट तैयार हो जाएंगे। इनमें 7 पीएसए प्लांट 30 सितंबर तक और बाकी पीएसए 11 तक हो जाएंगे। पंजाब कांग्रेस में सियासी ड्रामा लगातार जारी है, लेकिन इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली आएंगे। आज दोपहर 12 बजे वो चंडीगढ़ से रवाना होंगे। उनके 1 बजे दिल्ली पहुंचने की उम्मीद भी है। कहा जा रहा है कि वो आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि पंजाब में मौजूदा विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान एक और कमेटी गठित करेगा। इस कमेटी में नवजोत सिद्धू, सीएम चरणजीत चन्नी और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी सदस्य हो सकते हैं। बता दें कि इसी हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि सिद्धू अपनी पसंद का टीम चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मंडी संसदीय सीट होने पर जा रहे उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। एक नेता लड़ना नहीं चाहता और दूसरे ने टिकट के लिए आवेदन ही नहीं दिया है। ये बात उन्होंने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में 4 स्थानों पर आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने उपचुनावों के प्रचार का आगाज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज से किया है। जयराम ठाकुर ने बागा चुनोगी, भाटकीदार, शिलहीबागी और थुनाग में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो भी प्रत्याशी तय होगा उसके लिए सभी लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी खेमे के हालात तो ऐसे ही है, वहां पहले उनका नेता ही तय नहीं हो रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर मतगणना के दौरान अश्लील वीडियो चला है। मुजफ्फरपुर की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मतगणना के दौरान अश्लील वीडियो चला है, प्रोजेक्टर पर अश्लील तस्वीर देख खूब खिल्लियां उड़ी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, मतगणना प्रक्रिया के प्रसारण के लिए प्रोजेक्टर लगा है, लेकिन उसमें अश्लील वीडियो चलाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोजेक्टर पर अचानक चला अश्लील वीडियो। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर में मतगणना के दौरान प्रोजेक्टर लगा था वहां पर, लेकिन उसमें अचानक अश्लील वीडियो चलाया गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति मच गई। कई लोग उसकी खिल्लियां भी उड़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम कर रहा है। प्रोजेक्टर पर अश्लील वीडियो के कारण स्थितियां गंभीर हो गई है, भगदड़ की स्थिति मच गई वहां पर, हड़कंप की स्थिति मच गई है। तो मतगणना के दौरान अश्लील वीडियो मुजफ्फरपुर में चला है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।